मीट का मतलब मी ईट, अरे तो मी एक दिन तो मुझको भी खाइयो, मी ईट। अच्छा कोई अगर आपको काटे तो आप क्या बोलोगे, बद्दू आए तो कहना मेरे को काट रहे हो, कीड़े पड़े तुमको, राइट ऐसे बोलेंगे ना हम लोग भी, जानवर ही बद्दुआएं देता है। सो मीट इज फुल ऑफ बद्दुआ, इज फुल ऑफ कर्सेस, वो भी दुआएं बद्दुआएं देते हैं। अगर आप सोचते हो कि किसी का हत्या करना अधर्म है तो शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि अगर किसी का हत्या करना अधर्म या पाप होता तो सबसे बड़ा अधर्मी भगवान ही होते, क्योंकि उनसे ज़्यादा हत्या आज तक किसी ने किया ही नहीं। आप इसे समझना ठीक है, तो किसी का हत्या करना अधर्म नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि आपको अगर यहाँ पर जीना है तो आपको किसी का हत्या तो करना ही पड़ेगा, हत्या किए बिना आप यहाँ पर जी ही नहीं सकते। अब वो हत्या हो सकता है कि किसी जानवर का हो, या किसी पेड़ पौधे का, या साग सब्जी का, किसी का भी हत्या हो, हत्या तो आखिर हत्या ही होता है ना, तो आप यहाँ पर हत्या किए बिना जी ही नहीं सकते। तो हत्या करना कभी भी पाप या अधर्म माना नहीं गया है, यहाँ पर पाप या अधर्म माना गया है हिंसा को। और हिंसा मतलब क्या, दुर्भाव से किया गया हर वो काम हिंसा है, और यही अधर्म है, यही पाप है। तो आप इसे समझना, सद्भाव से किया गया हर वो काम पूजा है और यही धर्म है। तो सद्भाव आप में आएगा कहाँ से, प्रेम से ही आप में वो सद्भाव आ सकता है। इसलिए प्रेम को समझो और प्रेम को जियो, नाचो गाओ झूमो, प्रेम को समझो, यही जीवन है, यही फूल है, यही सुगंध है, यही नाच है, प्रेम को समझो।